स्कूलमेट ई लर्निंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए हमेशा कुछ अलग लाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक कीजिए। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। वो एक ऐसे साधारण बच्चा है जो अपनी सोच तथा अटल विश्वास के कारण इस दुनिया का दशा तथा दिशा दोनों बदलने वाला था। यह साधारण बालक एक महान व्यक्तित्व बनकर हमारे सामने के हर चुनौतियों को दूर कर हमारा प्रेरणा स्रोत बनने वाला था और उस महान व्यक्तित्व का नाम था इसाक न्यूटन। जी हां, वही इसाक न्यूटन जिसे आप और हम उनके बड़े बड़े योगदानों के कारण जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय की बात करते हैं। उनका जन्म 4 जनवरी 1643 को ब्रिटेन में हुआ था। उनके जन्म के 3 महीने पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अगर उनकी जगह कोई आम भारतीय होता तो हम अपनी मजबूरियों को ढाल बनाकर आरक्षण की बेड़ियों में जकड़ गए। लेकिन इतने से भी नहीं, कुछ समय बाद उनकी माता ने दूसरी विवाह कर ली और उनसे अपना मां का प्यार भी छीन लिया। लेकिन फिर भी वह छोटा सा बच्चा कहां हार मान लिया। उन्हें तो महान इसाक न्यूटन बनना था और उन्होंने इसे अपने अटल विश्वास के कारण पूरा भी किया। बचपन में माता तथा पिता का प्यार छीन जाने के कारण वो बहुत ही जिद्दी तथा थोड़े अपराधी प्रवृत्ति के हो चुके, जिसके कारण उन्हें उनके स्कूल से भी निकाल दिया। बचपन में पिता का प्यार, पिता के प्यार के साथ माँ का प्यार और स्कूल छिन जाने के कारण उनके सामने सिर्फ और सिर्फ अंधकार दिखाई देता था। लेकिन इतने से भी यह बालक नहीं माना। वह अपने पुराने दुश्मनी को पूरा करने के लिए फिर से स्कूल में अपना नामांकन कराया और स्कूल का सबसे तेज बच्चा बनकर उभर गया। उस समय कॉलेज की शिक्षाएं अरस्तु पर आधारित थी, लेकिन न्यूटन अधिक आधुनिक दार्शनिकों जैसे डेस्कोटेस, कोपरनिकस, गैलीलियो और केपलर के विचारों को पढ़ना चाहते हैं। न्यूटन के अनुसार ये चारों स्कॉलर अरस्तु के विचारों से ज्यादा आधुनिक विचार दिया करते हैं। इसीलिए न्यूटन इन सारे वैज्ञानिकों के विषयों को ज्यादा ध्यान से पढ़ा करते थे। न्यूटन का समकालीन वैज्ञानिक लिबनिस थे, जिनके ऊपर इस तरह का भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने न्यूटन के विचारों का चोरी किया है। लेकिन उस समय लोगों का यही मानना था कि कैलकुलस का खोज इन्हीं दोनों ने मिलकर किया है। न्यूटन अपने खोजों को हमेशा गुप्त रखते थे, किसी को बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर इसे दुनिया के सामने लाया गया
तो लोग उनका उपहास या मजाक उड़ाएंगे और वो मजाक का पात्र बन जाएगा। लेकिन सच कहां छुपने वाला था। शुरुआत में लोगों को लगा कि कैलकुलस का खोज लिबनीज ने किया था, लेकिन बाद में जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि लिबनीज ने न्यूटन के विचारों को चोरी कर इसे अपना नाम दे दिया था। और वास्तविक में इसका खोज न्यूटन ने ही किया था। न्यूटन ने बहुत सारे योगदान दिए हैं, उनमें से महत्वपूर्ण योगदानों की अगर हम लोग बात करें तो उनका लॉ ऑफ मोशन, जिसमें आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लॉ प्रमुख है, कैलकुलस, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ऑप्टिक्स और बाइनोमियल सीरीज उनका प्रमुख खोजों में से आता है। इनका योगदान किसी एक विषय में ना होकर बहुत सारे विषयों में था, जैसे कि फिजिक्स, नेचुरल फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एवं इकोनॉमिक्स। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदानों के कारण आज छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा हर जगह इनका योगदान हमें दिखाई पड़ता है, चाहे वो सुई बनाना हो या फिर बड़ा से बड़ा हवाई जहाज। इतने सारे महत्वपूर्ण योगदानों के बाद यह महान वैज्ञानिक 20 मार्च 1726 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनके महत्वपूर्ण खोज आज भी इस दुनिया को नई जीवन दे रहा है। हम समझ सकते हैं कि उनके बिना दुनिया का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। ऐसे महान व्यक्तित्व को हमारा सलाम। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और हाँ, हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।